बाई हॉरर हाउस। डरो मत ए, चलो तो जनता क्या हाल है। आई होप लोग घर में ठीक होंगे और मौज कर रहे होंगे। तो यार आज हम जा रहे हैं मॉल साइड, थोड़ा हमारे साथ हैं हमारे भाई गोलू, और गोलू को थोड़ा कुछ था केवल काम ऊपर, तो इसलिए वो बोल रहा था भी आप भी चलो साथ में। तो मैं क्या हम भी चलेंगे साथ में, ब्लॉग भी बना लेंगे कुछ। और मौसम बहुत ठंडा, बारिश होने के आसार हैं। तो बस तो अभी आई नहीं, तो सोचा थोड़ा भ्रमण किया जाए और हमारे कॉलेज की तरफ जा लिया जाए। इतने दिन से मैं शिमला पहुँच जाऊँ लेकिन कॉलेज वाली साइड का एक भी बार नहीं गया, तो मैं क्या कॉलेज जा लेते हैं। और सामने आपको हेलीपैड भी दिखाते हैं, हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है वो भी दिखाते हैं। एंड आज बारिश का मौसम है, हल्का हल्का अगर बारिश पड़े तब तो कल्याण हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आज बर्फ़ पड़नी चाहिए, कहीं बर्फ़ पड़ गई तो कॉलेज भी बंद, सब कुछ बंद, मज़े लग जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, कॉलेज तो जाना ही है, इतना टाइम हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर बर्फ़ पड़ जाती तब तो बहुत ही अच्छा था। ये आर्मी हेरिटेज का ग्राउंड है और ये हेलीपैड अपना, हेलीकॉप्टर खड़ा है आज बेचारा, और ऐसा कुछ ग्राउंड यू कैन सी दिस। और इस साइड है सामने हमारा कॉलेज, नीचे बोर्ड लगा है। चलिए चलते हैं आगे कॉलेज वाली साइड को भी, नीचे तक जाके आते हैं। तो गाइस अचानक प्लान बना एंड वी आर गोइंग टू जाखू टेम्पल, एंड हियर वी आर थ्री फ्रेंड्स, साथ में जा रहे हैं तीनों हम। और तीनों को मैं एक चीज बताऊं, ये देखो 265 रुपीज का एक टिकट है सिर्फ वन वे का, और बहुत ज्यादा लगा मेरे को, मोस्ट एक्सपेंसिव। अब तो ये देख जाके ही पता लगेगा कि हाँ सर्विसिंग सर्विसेज कितनी अच्छी है। लेट्स गो, चलते हैं। सलमान खान एंड अमिताभ बच्चन दोनों यहाँ पे खड़े हुए, यू कैन सी। और आज हमारे साथ मिल रहे हैं अमिताभ बच्चन और सलमान खान, आप देख सकते हैं। क्या तगड़ा वाला स्टैचू बना के रखा हुआ है, यू कैन सी। और कुछ ऐसा व्यू यहाँ से बाहर का, आप देख सकते हैं शिमला सिटी, कसम से मतलब दिल खुश हो जाता है इसको देख के। तो ये यू कैन सी, और यहाँ पे हमारे गोलू भैया क्या खा रहे हो आप? सेंटर फ्रेश है भाई, फ्रूट नहीं है। देखो व्लॉग की हड़बड़ाहट में भाई कुछ भी बोले जा रहा है। हैं, लाइक करो, फॉलो करो, लाइक करो, फॉलो करो, चलिए। अब तो गोलू भाई ने बोल दिया तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से। आज मैं ट्राईपॉड नहीं लाया अपना, ट्राईपॉड नहीं लाया, लेकिन हाथ से भी बहुत अच्छी ब्लॉगिंग कर लेता हूँ मैं वैसे तो। जब आपको व्यू दिखाते हैं कुछ दूसरी साइड से, अभी भी हम रोप में वे में ही खड़े हैं, क्योंकि अभी तक हमें कोई दिया नहीं इन्होंने भी, हाँ आप चलो। लेकिन आपको व्यू दिखाते हैं भाई साहब, व्यू यू कैन सी, पूरी बेल्ट दिखती है जिसके ऊपर इतने सारे ये हैं, देखो। और क्या सही नज़ारा है, मज़ा आ गया कसम से, यू कैन सी। एंड तक आप देख सकते हैं बस यही बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, और मतलब दिल खुश हो जाता है ऐसा नज़ारा देख के। और यहाँ पे हैं हमारे भाई जी, भाइयों से हाय, ब्रदर्स से हाय, बस यही करो तुम जिंदगी भर, बोल दिया करो कुछ, लाइक करो, फॉलो करो, साला 202 पे अटका पड़ा हूँ मैं, कांड कर कांड 2.0। देखो अपने वाले ही मेरा नाम नहीं जानते तो और क्या जानेंगे भाई लोग, सपोर्ट करना। और चलो अब आपको दिखाएंगे तो रोप वे का कुछ नज़ारा, ऐसे हम रोप वे के थ्रू जाएंगे, यू कैन सी ये। और सेंटर में तगड़ा ही नज़ारा होगा, यहाँ पे सेल्फियाँ ली जा रही है, हैं सेल्फियाँ ली जा रही है। गाइज हम पहुंच चुके हैं रोपवे के पास, यू कैन सी हियर इज आवर रोपवे। यह
नाइस, यू कैन सी ये बात, दैट्स बेटर। और एंटर हो चुके हैं रोपवे में, यू कैन सी खुशी का ठिकाना नहीं है किसी का। एंड गाइस स्टार्ट हो चुकी है रोपवे, यू कैन सी द व्यू, अब धीरे धीरे व्यू स्टार्ट होगा। एंड गोलू भाई अब कैसा फील कर रहे हैं आप? और देयर इज अ स्पेशल गेस्ट हमारे साथ, एंड द व्यू गेस्ट। पहली बार मैं किसी रोपवे में बैठा हूँ, अलग सा एक्सपीरियंस है। बहुत अलग गाइस। गाइस अभी हम बहुत हाइट पे हैं, पूरी हेलीकॉप्टर वाली फीलिंग आ रही है कसम से। और शिमला देख लो कितना छोटा दिख रहा है यहाँ से, और वहाँ से रोपवे वापस नीचे जा रही है, टू वे वाली है। वाओ, ये रहा बीच में आठ, ये देखो, वाओ देखो पापा का, इट्स योर डैडी। गाइस रोपवे से हम आ गए हैं, ऊपर पहुंच गए जैसे हेलीकॉप्टर में आती ना। एंड अभी हम अब जाखू टेंपल पहुंच गए, उतर रहे हैं जाखू वाले रास्ते के लिए नीचे। ये वे टू टेंपल, एंड गाइस यू कैन सी ये इतना सही नज़ारा है यहाँ का, व्यू बहुत तगड़ा है। और यहाँ पे ठंड है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ठंड है, यहाँ पे हल्की हल्की ठंड ज़्यादा है। देखो इनको, देखो गौर से देखो इनको, ये क्या किए जा रहे हैं। मेरे साथ दो चोर आ गए हैं, देख लो बोल रहे हैं अभी डंडा ही चोरी कर दो, अलग ही चल रहा है भाई, अलग ही चल रहा है बंदों का, कुछ नहीं बोल सकते। क्यों भैया जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? क्या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। ये हम जन्मजात चोर हैं। क्या क्या जन्मजात चोर हैं। और ये चोरों का राजा देखो, यू कैन सी ये यहाँ पे कुछ बंदे रहे ना, उनको भी चोरी बोलते हैं, और तू चोरों का राजा। एंड फाइनली यू कैन सी द जाखू टेम्पल इज इन फ्रंट ऑफ मी, और ये और बहुत सारे बंदर यहाँ पे, और बंदर यहाँ पे हाथों से मोबाइल तक छुड़ा लेते हैं, तो मोबाइल हमें पक्का पकड़ना पड़ेगा ताकि छुड़ा ना पाए। स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान, एंड पहुंचने वाले हैं हम जल्दी ही। फीट नहीं, 1.3 थोड़ा होते, 1.3 तो इतना सा होता है। 103. अच्छा 103, वो फुट में नहीं मीटर में आई थिंक। पता नहीं 103 फुट का है बोल रहे हैं भाई, मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसका। Thank you.
गाइस कितनी बड़ी है देख सकते हैं आप, इसका गद्दा ही बहुत बड़ा है। यहाँ से हम देखे तो हम सिर्फ महाबली के चरण ही देख सकते हैं, अब असल में महाबली इतने बड़े थे, देख लो, देख सकते हो गदा कितना बड़ा है। हेलो ब्रो, सैल्यूट मार रहा बंदा। की जय हनुमान लला की, मेरे को लगा दो मेरा इतना चल रहा ये बात। तो गाइस बजरंगबली के दर्शन करके हम जा रहे हैं अब मेन मंदिर की तरफ को। यहाँ आगे जाके ये जो सामने आप देखेंगे ये है यहाँ का मेन मंदिर, और ये ऊपर वाले रास्ते से जाना अलाउ नहीं है जूतों के साथ, तो हम पहले परे जाएंगे, वहाँ हम जूते खोलेंगे, जूते खोलने के बाद हम दर्शन करने जाएंगे बजरंगबली के। और यहाँ आके ठंड हल्की सी बढ़ गई है क्योंकि यहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ी थी पिछली बार, तो हल्की सी ठंड ज़्यादा है, और यहाँ पे शांति इतनी तगड़ी है ना आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते आप ऐसे। एंड ये है मेन टेंपल, टेंपल फिलहाल बंद है, बंद क्यों है ये नहीं पता, लेकिन यू कैन सी जाखू टेंपल। जाखू मंदिर जी बोल रहे हैं आपकी, यहाँ कहीं गाड़ी भी चलाते हैं तो हम वहाँ जा रहे हैं गाड़ी चलाने। कैसी गाड़ी चलाते हैं मैंने कभी सुना नहीं, मैं एक बार पहले आया हूँ वहाँ पे, तब मेरे को कोई आइडिया नहीं था इस जगह का, लेकिन अब जाके देखते हैं, भाई बोल रहे हैं तो होगा कुछ ना कुछ। और यू कैन सी दिस थिंग यार, मतलब यहाँ बैठे रहो पूरा दिन धूप से को वो भी बहुत सही है, लेकिन हम पूरा दिन नहीं रह सकते यहाँ पे। और बहुत अच्छे से सजा के रखा है, ये प्लांट्स इतने अच्छे से लगाए हुए हैं, यू कैन सी ये मंदिर है, ये है शिव जी का मंदिर आई थिंक। हाँ ये संजौली है सामने, और ये महा माता का मंदिर है कोई, जय हो देवी की। कैसी टैक्सी? हाँ तो वो यहाँ तक तो आती है, जाकू टेंपल तक आती है। संजौली जाना है ऐसे? नहीं संजौली की से जाना हमने, यहाँ से नीचे रास्ता संजौली के लिए थोड़ा जैसा है। और यू कैन सी बहुत शांति है यहाँ पे, और हर तरफ देवदार ही देवदार भाई साहब, मतलब क्या ही कहें। यू कैन सी इन भाई लोगों का देखो बचपना आ गया वापस, ये बोल रहे हैं कि हम नीचे जाएंगे गाड़ियाँ चलाएंगे, तो मैं क्या ठीक है छोटी गाड़ी जो होती है। अब जा रहे हैं नीचे थोड़ा जाकू के, यहाँ पे एक हल्का सा रिजॉर्ट टाइप है, और साथ में यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे जिप लाइन है एक, मैं सोच रहा था मैं जिप लाइन पे जाऊँ, लेकिन अब देखते हैं अगर अलाउ हुआ तो जाएंगे। तू का जो कर रहा है ड्राइवर, सीढ़ियां तो है। तो गाइज सबसे बड़ी बात तो ये है कि हाँ हम जब ऊपर पहुंच गए तो ऊपर जाके हमें पता चला कि हाँ आज मंदिर बंद है, पता नहीं किस वजह से कपाट बंद है, लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और टूरिस्टों का आना जाना अभी भी वैसा ही है, और लेकिन बहुत ही मतलब एक अलग सा एक्सपीरियंस इन इस एक डेढ़ घंटे का जो मेरे को एक्सपीरियंस है कसम से। यहाँ पर ठंड थोड़ी ज़्यादा है, हल्की हल्की बढ़ गई, और लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ पर ठंड में
मतलब यहाँ थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा है ठंड नीचे वाले एरिया से, जैसे हम अनाडेल में है वहाँ पे थोड़ा कम ठंड है और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। आज मैं अपना ट्राईपॉड लाना भूल गया और साथ में भूला तो क्या, अचानक प्लान बना तो उस वजह से हम ट्राईपॉड नहीं ला पाए और माइक भी नहीं ला पाए, लेकिन जैसा बना वैसा आप सपोर्ट कर देना, देख लेना व्लॉग। और बहुत अच्छी जगह है, अगर आप कभी भी शिमला आओ तो जाखू टेम्पल नहीं आए तो आप क्या घूमें, शिमला आके जाखू टेम्पल घूमना इज कंपल्सरी, ठीक है। अगर आप आ रहे हैं तो आपको जाखू टेम्पल आना ही चाहिए, ठीक है। एक बहुत ही तगड़ा वाला एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं हम, अब जा रहे हैं हम हॉरर हाउस में, एंड लेट्स स्टार्ट। और लाइट नहीं जला रहे हम बस चलो चलिए चलते हैं ऑटो, मेरे को जाने दो यार, तुम लोग इतना डरते हो, आज डरना गया है यार इसमें, जाओ 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 इधर चले जाओ अंदर, बाहर कब इसमें जा सकते हैं ना बाहर, ये सही बात है, ये अंदर कोई रास्ते नहीं यार, ये बात सही जाओ। और यू कैन सी, और ये भाई हॉरर हाउस, ओए डरो मत, ओए चलो म्यूजिक, ओ भाई फट के चार हो गई है, देख रहा मेरा फोन दे, मुक्का मार दूंगा मैं, चलो चलो यार कुछ नहीं है भाई साहब, कल्याण करके रख दिया हुआ, क्या डर रहे हो यार, कुछ नहीं है यहाँ पे, बंदा है सामने, क्या है बंदा, क्या है, कुछ नहीं है, क्या हो रहा तुम लोगों को, क्या फटी हुई है तुम्हारी, क्या बट रही तुम्हारी, क्या ही डरे यार तुम ऐसे, इनकी शक्लें देखने लायक है, देखो इनकी शक्लें देखो, तुम इनकी शक्लें देख सकते हो हैं, इनकी शक्लें देखने लायक हैं, डर डर के कल्याण हो गया लड़कों का, कोई मत जाओ, कोई मत जाओ, आया मजा भाई साहब, उसमें सिर्फ आवाजें लग रही थी और कुछ नहीं था, और इन बंदों की जो हालत खराब हुई है गोलू भाई क्या हुआ क्या हुआ आए तुम जाखू टेम्पल हो यार, और भूत बंगले से डर रहे हो तुम लोग हैं, डरपोको भाई आज तो ये सिद्ध हो गया, तुम दोनों डर रहे हो अभी तक, भाई जब मैंने पीछे किया ना एकदम से फिर देखा मैंने कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं होता गाइस, ऐसे था थोड़ा बहुत, ज्यादा कोई ये नहीं था, अभी डर नहीं था, मैंने क्यूंस रखी हुई थी तोड़ के वहां पे, और कंकाल लटकाए हुए थे, और ये बंदे इतने डरे इन्होंने धक्का दे दे के बाहर निकाल दिया मेरे को, इतना नहीं डरना होता भाइयों, इतना क्यों डर रहे हो, चले आगे ना चले, मैं यार भी आगे जाने दो मेरे को, तो पहले घुस गए फिर आगे चले ही नहीं है भाई जी, फट गई थी क्या, फट गई थी यार, क्या होता, कुछ नहीं होता भाई जी, मैं पहले भी आ चुका हूँ, मैं उसी टाइम आ भी सकता हूँ, कुछ नहीं होता यार, ये बोलने वाली बात है, अब हम वापस जा रहे हैं ऊपर, और ये देखो भाइयों को डर डर के कल्याण हुआ बड़ा अभी तक इनका, पहले बता पहले जाता गोलू, हिम्मत गोलू भाई गोलू
गोलू भाई पहले हमारे गोलू भाई हिम्मत के साथ कि मैं जाऊंगा आगे, एक जगह पे बंदा खड़ गया, उसके बाद वो हिले ही ना भी, हाँ भी बस अब नहीं जाऊंगा मैं, जस्ट वो दरवाजा उसने क्रॉस किया, दरवाजे के बाहर वो वहीं पे रुक गया। और भाई साहब मतलब क्या ही बोले, और उसके बाद भी जाई ना आगे, फिर मैं आगे गया तो आगे जाके बंदों ने जो धक्के दिए ना पीछे से भी, हाँ नहीं भी कोई कोई छू रहा है, कोई टच कर रहा है भाई यार क्या ही था ये, है पैसा बर्बाद, सॉरी फॉर द गाली। और तो नीचे से चढ़ के हम वापस पहुंच चुके हैं जाकू टेंपल, अब यहाँ से हम दूसरी वाली साइड से नीचे उतरेंगे और डायरेक्ट रिज पहुंचेंगे। तो अब निकलेंगे रिज वाली साइड को, और जाकू एरिया का तो कुछ अलग ही है एक्सपीरियंस है, यहाँ पे तो कुछ कह ही नहीं सकते, ये बहुत ही अलग टाइप की जगह है और इतनी शांत जगह है भी पूरी। मेरे दो भाई जो ऊपर बैठे हुए और जो कि आगे जा रहे हैं, यू कैन सी गोलू भाइयों पीछे देखो यार, देखो ये वही दो थे जो यहाँ ऊपर बैठे हुए थे, यू कैन सी। और ये महाबली जी की मूर्ति, सोच रहे थे हम निकल जाते हैं नीचे रिज वाली साइड को, तो अब चलते हैं रिज को, पहुंचते हैं रिज की तरफ, लेट्स गो डाउन साइड। अभी हम पैदल जाएंगे नीचे को, सामने गोलू बैठा हुआ, यू कैन सी गोलू भाई आप कहाँ बैठे हैं आप, और ये आप देख सकते हैं यहाँ जितनी भी सीढ़ियों के ऊपर जितनी भी टीम लगी है उसके जो सामने है हर एक टीम के ऊपर कुछ ना कुछ दोहा लिखा हुआ है हनुमान जी का, और बहुत ही सही नज़ारा है नीचे उतरने का भी, आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको ये, और पीछे गाने लगे रहते हैं आरती की जो हनुमान लला की, और कसम से इतना रिलीजियस फीलिंग है यहाँ की यू कैन सी, और बहुत सही लगता है जब आप ऐसी किसी जगह पे आते हैं, ऐसी डिवोशनल प्लेस पे अगर आप आ रहे हैं तो आपको ज़रूर आना चाहिए, कभी भी अगर आप शिमला आएँ तो आप ज़रूर डिवोशनल प्लेस पे आएँ। मैं मिला श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर जो कि मेरे कुल देव हैं, जय हो देव। और अब चलेंगे यहाँ, अभी ये कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है, अभी पूरा बना नहीं है, पर बाहर से हम उनको नमस्ते कर देते हैं क्योंकि मेरे कुलदेव हैं बालकनाथ जी, और अब चलते हैं। और देखो यहाँ पे खुद आएंगे अब ये सामने आगे मंदिर, खाएंगे बढ़िया करके, बंदर प्रसाद खा रहा है हमारा, बहुत अच्छा है। यू कैन सी यहाँ पे देखो ये गोलू और ये भी गोलू देखो। तो जाकू से नीचे आते आते हम पहुँचने वाले हैं रिज, और अब रिज के कुछ फोटेज दिखाएंगे आपको, और साथ में दिखाएंगे कि रिज पे अभी तो फिलहाल यहाँ बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो चुका है और लगता है कि शायद बर्फ़ पड़ जाए, अगर बर्फ़ पड़ जाती तो मज़ा आ जाता, बर्फ़ का इंतज़ार है और कुछ नहीं। स्नो व्लॉग भी आपके लिए लेके आएंगे, तो उस टाइम आपको सपोर्ट करना है गाइज, यार सपोर्ट करो। और बहुत सारे सब्सक्राइबर जो हैं वो कम हैं मेरे, यानी कि 17% ने सब्सक्राइब किया है, बाकी जितने भी हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, 82% और 83% ने सब्सक्राइब नहीं किया था मेरा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल। और गाइज क्या नज़ारा है ऊपर, हम जाकू टेम्पल के थोड़ा नीचे आ गए हैं, और यहाँ से देखो नीचे के लिए सारी नीचे की जितनी भी हमारी ये माउंटेन रेंजेस है कितनी तगड़ी दिखती हैं। और आज थोड़ा मौसम ख़राब लग रहा है, शायद अगर बारिश हुई तब तो फिर बर्फ़ पड़ना निश्चित है। तो फाइनली वी हैव रीच्ड द रिज, अब हम रिज का आपको कुछ नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ सामने देखिए ये वही जगह है जहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी, यहाँ 3 इडियट्स की शूटिंग हुई है यहाँ पे। और अब जरा आगे जाते हैं, आपको रिज दिखाते हैं और चर्च भी दिखाते हैं, और दिखाते हैं कि क्या तगड़ी भीड़ होती है दिन के टाइम यहाँ पे, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी।
गाइस यू कैन सी क्या तगड़ा व्यू आता है यहाँ से, और ऐसा लगता है पता नहीं हम कहाँ अभी किस स्टेज पे खड़े हैं। और देखो बहुत सारे लोग नीचे, रिच मतलब बहुत सही दिखता है यहाँ से। ये यहाँ पे पहले एक फ्लैग लगा होता था, नेशनल फ्लैग हमारा, लेकिन अब फ्लैग उतार दिया गया है, उसके बदले नया फ्लैग लगाएंगे, लेकिन पता नहीं कब लगाएंगे, अभी तक लगाया नहीं इन्होंने। और 26 जनवरी के लिए स्पेशली यहाँ पे पोल लगा के रखा था इन्होंने, यहाँ पे फ्लैग लगाया हुआ था, लेकिन उसका व्लॉग मैं नहीं दे पाया क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी एंड मैं ऊपर नहीं आया। उससे पहले की एक रिहर्सल वीडियो मैंने डाली थी इसमें, और अब चलेंगे थोड़ा आगे, देखते हैं कहीं घूमते हैं और निकलते हैं फिर वापस। अब हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, सामने दिखाते हैं आपको चर्च, और कुछ ऐसा है द ओल्ड टाइम चर्च। देखो वापस आ गए हम चर्च के पास ही। तो शिमला जो है ब्रिटिशर्स की समर कैपिटल हुआ करती थी, उस वजह से फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है उनके टाइम में। और मैं सच बात बताऊँ, आज तक यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट है वो उन्हीं के टाइम की है, उसके बाद तो शायद ही कुछ डेवलपमेंट था। ऑटो एक नहीं चलती, ऑटो तो नहीं चलती, लेकिन ट्रेन जो है वो ब्रिटिश टाइम की है, और उसके बाद कोई भी अगली नेक्स्ट ट्रेन बनी नहीं यहाँ पे, ऐसा सीन है। और रिज तो भाई साहब, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो आपका क्या बोलते जितने भी रास्ते हुआ करते थे उनको उन्होंने पक्का करके सड़कें बना दी। ये देखो ये जो है ये भी एक रास्ता ही था पहले, इस रास्ते को इन्होंने पक्का किया और उसके बाद इसकी सड़क बना दी। और ऐसे ही करके पूरे शिमला में जितनी भी सड़कें हैं वो तंग है लेकिन वो पक्की हैं, ये बेस्ट बात लगती है। आप कहीं भी जाएंगे तो आप जा सकते हैं सड़कों के थ्रू। मेरे दिमाग में अभी एक ख्याल आ रहा था कि कहीं अगर मैं मान लो ये फेमस हो गया, अगर क्या बोलते व्लॉग्स बनाते बनाते मैं फेमस हो गया और फिर मैं रिच आया शिमला, तो क्या भीड़ लगेगी यहाँ पे भी हाँ मेरे से मिलने के लिए। और वो फीलिंग में लेना चाहता हूँ, तो सब्सक्राइब करो भाई लोग, बहुत बार बोल चुका मैं इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में बहुत बार बोल चुका, लेकिन प्लीज़ यार कर दो सपोर्ट करो थोड़ा, क्योंकि सपोर्ट करोगे तभी मैं आपको अच्छी अच्छी जगहें दिखा पाऊँगा यार। यही सबसे बड़ी मोटिव है मेरा कि हाँ आपको ट्रैवल, बैठे बैठे ट्रैवल करोगे तो भाई फ़ायदा है उसमें भी। रेल से नीचे उतर के हम जा रहे हैं मॉल रोड पे, और सीढ़ियों के थ्रू हम नीचे उतर रहे हैं। चलो एंड हियर वी रीच एट मॉल रोड, मॉल रोड शिमला पे हम आ चुके हैं। हियर यू कैन सी दुकानें ही दुकानें। बॉयज कैसा फील कर रहे हो तुम लोग? चलो नीचे चलो, लोअर बाज़ार चलते हैं अब। तो अब हम जा रहे हैं लोअर बाज़ार, लोअर बाज़ार जाएंगे और वहाँ पे भाई को कुछ सामान लेना है तो वो सामान लेंगे और फिर निकलेंगे वापस अनाडेल के लिए। तो लोअर बाज़ार का भी आपको दिखा देंगे हल्का हल्का ब्लॉग में भी, हाँ यहाँ कैसा कैसा सामान मिलता है। ये जो मार्केट है ऊपर वाली जो है हमारी मॉल रोड की, ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगी है, क्योंकि भाई साहब मॉल रोड पे है मार्केट इस वजह से। और इसके नीचे एक मार्केट है और लोअर मार्केट, जो कि हमारे जैसे यहाँ मिडिल क्लास लोगों के लिए जहाँ पे सामान मिलता है, तो हम वहीं से लेते हैं मेनली। ऊपर आके भाई साहब यहाँ नहीं है, मैं लोअर मिडिल क्लास, हाँ हम आते हैं लोअर मिडिल क्लास में भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे जो सामान लेगा ना बंदा वो लूट जाएगा एक ही बारी में। यहाँ पे आप 10,000 लेके जाओगे ना, 10,000 की तो एक ही चीज़ मिलेगी आपको, घर जाएगा इसमें, तेरा घर चला जाएगा, वो वाला हिसाब है, घर चला जाएगा। अब चल रहे हैं लोअर मार्केट। हल्की हल्की छोटी छोटी गलियां हैं यहाँ पे, गलियों के थ्रू नीचे लोअर मार्केट पहुंचेंगे हम। चल भाई चल आगे, तो हमने सोचा भूख लग रही है थोड़ा कुछ खा लिया जाए, तो हमने मंगवाया है ब्रेड टिक्का। यू कैन सी दिस This, ये देखो भाई साहब को, ये तो पहले ही लग गए हैं खाने की, नहीं टूट पड़ो भाई सीधा। मैं नहीं खाऊंगा चटनी क्योंकि मैं बीमार हो जाता हूँ, वरना मेरी मम्मी मार रही है। मिर्ची वाली चटनी है, मिर्ची वाली खा सकते हैं। We'll be right back.
पेट पूजा हो गई, अब चलते हैं लोअर मार्केट, कुछ सामान लेना है भाइयों को, वो सामान लेंगे अब और फिर जाएंगे वापस अनाडे। तो गाइस अब हम आ गए हैं हमारी लोअर मार्केट में और कुछ ऐसी दिखती है आपकी लोअर मार्केट, यू कैन सी वो ऊपर अमीरों का बाजार ही है, हमारे हमारे जैसे गरीबों का बाजार देखो, सेल 499 499, आजो जी आजो ले जो वो वाला हिसाब, यू कैन सी। तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है और भाई साहब मेरे को लगता है आज बर्फ भी पड़ी जाएगी, और हम हैं फिलहाल सब्जी मंडी में और बहुत बुरा हाल, कीचड़ कीचड़ हो गया हर जगह, और अब सोच रहे हैं कि हम अब घर वाली साइड को निकल जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा सामान लेने के लिए और बच चुका है, भाई मेरा सामान लेने वाला है थोड़ी देर में, फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे और उसके बाद जाएंगे हम डायरेक्ट ही अनाडे। कितनी हो जाती है बिक्री इनकी? हो जाती है 500-600 हो जाती है। चलो बहुत बढ़िया, ब्लॉग में आओगे आप हमारे, है ना? ब्लॉग में आओगे हमारे, देखते हैं भैया मोमो खिलाएंगे अभी। चल भाई कौन खिलाएगा मोमो मेरे को, जल्दी 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 जल्दी, हमें भूख लगी है, मोमो की भूख लगी है। और भाई का सेटअप देखो आप यार, तगड़ा वाला, अभी हीट चली हुई है जहर वाली। चलो भाई चलो चलो। और गाइस ये हम खड़े हैं फिलहाल ओल्ड बस स्टैंड से ऊपर रिज की तरफ जाने वाले पुल पे, और कुछ ऐसा नज़ारा है पीछे से, शाम हो गई है, सनसेट हो रहा है, कितना अच्छा, यू कैन सी द सनसेट ये, एंड ये सामने है अपना ओल्ड बस स्टैंड, ये देखो आप देख सकते हो ओल्ड बस स्टैंड, और क्या व्यू आ रहा है कसम से तगड़ा वाला, यू कैन सी ये जैसा। और वो लड़के अभी तक नहीं आए, निकले ही नहीं। गाइस जिनका सामान लेते लेते शाम के बज के 6:10, तो अब तो मैं निकल रहा हूँ, सीधी सी बात इनको बोलते हुए मैं क्या, अब ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा हम कोई शॉपिंग वॉकिंग नहीं करेंगे, कल ले लेंगे परसों ले लेंगे, लेकिन अब घर जा रहे हैं। और देखो क्या सही मौसम है आज यार, और इतना तगड़ा कलर आता है ना शाम के टाइम, शिमला इतना अच्छा लगने लगता है कि पूछो मत, यू कैन सी। अरे अपनी HRTC खड़ी हुई। हाँ तो भाई लोग कैसे हो आप लोग, और अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक ठोको, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ठोको, और मिलूंगा आपको ऐसे ही किसी व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अमन ठाकुर फ्रॉम कानकर कान 2.0 ओवर एंड आउट।